हेलो गाइस, कल हमने बात किया था कि वर्टिकल पार्ट्स में अगर ट्रायंगल डिवाइडेड हो जस्ट लाइक दिस ओनली वर्टिकल पार्ट्स, तो जो फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का वो ये होता था। एन क्या होता था? नंबर ऑफ वर्टिकल पार्ट्स। नाउ अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको हॉरिजॉन्टली भी हम इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो जैसे कि इसको हॉरिजॉन्टली मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना। तो अब क्या है, वर्टिकल पार्ट्स भी आ गए और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स भी आ गए। तो वर्टिकल पार्ट्स, तो अब इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला में बस ये चेंज करना है आपको कि ये एम से मल्टीप्लाई कर देना है। और एम क्या है? नंबर ऑफ हॉरिजेंटल पार्ट्स। ओके, तो इसमें देखिए कितने हॉरिजेंटल पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, और वर्टिकल पार्ट तो अभी भी सेम है, 1, 2, 3। फॉर्मूला में प्लग करते हैं इन सारे वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा? एम इज इक्वल टू 3 × 3, 3 + 1/2 इज इक्वल टू 9 × 4/2। देखिए 2 से 2 बार कट गया, तो यहाँ से आ गया 18। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हो गए? टोटल 18s। नाउ इसका बात करते हैं ये वाले का, तो देखिए नंबर ऑफ वर्टिकल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हॉरिजॉन्टल पार्ट्स का बात करें तो 1, 2 एंड 3। नाइस, तो फॉर्मूले में फिर से प्लग करते हैं, इसी फॉर्मूले में प्लग करता हूँ मैं। तो m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n + 1। ओके, तो n है हमारा 4 + 1/2। ओके, तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आता है 30। तो इसका आंसर होगा यार 30। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो। आपके लिए है दिस 1, 2, 3, 4। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। ये होमवर्क है इस फॉर्मूले का यूज करके।